बिहार में दिवाली तक दाना तूफान का असर, जानिए किन किन जिलों में बारिश की है संभावना। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बंगाल और उड़ीसा में आए चक्रवाती तूफान दाना का असर, प्रदेश में कई जगहों पर तूफान के कारण बारिश की स्थिति और काले बादल छाए दिखे। मुंगेर, बांका और कैमूर जैसे दक्षिण पूर्वी बिहार में तो हल्की बूंदाबांदी भी हुई। चक्रवाती तूफान से तापमान में भी गिरावट आई है। हालांकि अब चक्रवात का असर कमजोर पड़ गया है, लेकिन बावजूद इसके दिवाली तक इसका असर देखने को मिल सकता है। 31 अक्टूबर तक कुछ जगहों पर बारिश की भी संभावना है और तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट देखी जा सकती है। प्रदेश में आज से 1 नवंबर तक कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि तूफान का असर कमजोर रहने के कारण कई जगहों का मौसम शुष्क भी रह सकता है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार जिले में 1 नवंबर तक बारिश की संभावना है। वहीं बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में 29 अक्टूबर तक बारिश की संभावना है। फिलहाल मौसम को लेकर किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई है। 1 नवंबर तक प्रदेश में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और कुछ जगहों पर 34 डिग्री तक तापमान रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री देखने को मिल सकता है। प्रदेश के मौसम का हाल जानने के बाद चलिए अब एक नज़र देश के मौसम की स्थिति पर भी डालते हैं। तो स्काईमेट वेदर के मुताबिक 26 अक्टूबर को गंगे पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है, लेकिन इसके बाद बारिश में कमी आ सकता है। कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की भी हो सकती। पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वी झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जिसमें 1 से 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, पूर्वी बिहार, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बारिश से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा बिहार, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी कर्नाटक और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना है। दिल्ली और NCR में वायु गुणवत्ता के हालात में अगले कुछ दिनों में कोई सुधार की उम्मीद नहीं है और ये बहुत खराब श्रेणी में बने रहने की आशंका है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपके क्षेत्र का मौसम कैसा है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।